खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली में ट्रक की टक्कर से गंभीर तौर पर घायल हुई उन्नाव रेप केस की पीड़िता के मामले में नया मोड़ आ चुका है। हादसे के दौरान पीड़िता के साथ सुरक्षाकर्मी नहीं थे। एसपी ने बताया कि पीड़िता को 3 सुरक्षाकर्मी दिए गए थे, जिसमें महिला और एक पुरुष कांस्टेबल थे। उधर पीड़िता की बहन ने यह इल्जाम लगाया कि विधायक के समर्थक लगातार समझौते के लिए दबाव बना रहे थे। केस में पैरवी कर रही चाची को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। गांव के 3 युवकों पर डराने और धमकाने का आरोप लगाया गया है। अपने दर्शकों को यह बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता को आज रायबरेली में ट्रक ने टक्कर मारी थी। हादसे के बाद पीड़ित और वकील की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त जिला अस्पताल के बाहर है। पीड़िता के परिवार से मिलने लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। एसपी ने मांग की है कि दुर्घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्नाव के माखी में पिछले साल हुए चर्चित रेप कांड की पीड़िता आज अपने रिश्तेदारों के साथ उस वक्त एक हादसे का शिकार हो गई जब वो अपने चाचा से मिलने रायबरेली जेल जा रही थी। इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो चुकी है, जबकि उनके साथ गए वकील महेंद्र सिंह का उपचार लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्नाव के माखी में पिछले साल एक चर्चित रेपकांड का मामला सामने आया था, जिसमें स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत तमाम लोगों पर आरोप लगे थे। इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह को जेल जाना पड़ा था और फिलहाल वो भी जेल में ही हैं। बाद में इस चर्चित मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी गई थी। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की है और आज दोपहर की रेप पीड़िता अपने चाची और मौसी के अलावा अपने वकील के साथ जेल में मिलाई करने जा रही थी। करीब दोपहर 12:30 बजे के आसपास एक दुर्घटना होती है, जिसमें उनकी गाड़ी एक ट्रक से भिड़ जाती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आईजी जो लखनऊ जोन के हैं, उन्होंने एक टीम भी भेजी है। ट्रक ड्राइवर और ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है और जांच किया जा रहा है कि आखिरकार ये एक घटना है या फिर एक साजिश। समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन अभी अभी उन्नाव रेप पीड़िता से मिलकर आए हैं, उनका हलचल लेकर क्या है बात करते हैं। सुनील भाई, क्या जानकारी मिल रही है, क्या परिवार के लोग बता पा रहे हैं? देखिए, अभी तो सब परेशान हैं, क्योंकि जो रेप पीड़िता थी उसकी चाची, उसकी मौसी इस दुर्घटना में नहीं रही। रेप पीड़िता खुद बहुत गंभीर है, सीरियस है, डॉक्टर देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा, जो उनके वकील थे वो भी बहुत सीरियस हैं। तो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम 3 साथियों को भेजा है और ये कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ जो घायल लोग हैं, इनके साथ समाजवादी पार्टी है, इनका इलाज कराएगी। और समाजवादी पार्टी का मानना है कि इस घटना में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। 100 तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वो जो सवाल खड़े हो रहे हैं तो इस घटना की भी सीबीआई जांच हो। आपको क्या लगता है, ये एक सामान्य हादसा है या फिर कोई साजिश की भी संभावना है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो जाएगी, सारी चीजें साफ हो जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुनील सिंह साजन थे, इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करती है, क्योंकि एक सामान्य घटना नहीं है। रेप पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया कि उन्हें लंबे वक्त से तंग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, परिवार को जान से मारने की धमकी भी मिली थी। अकेले तभी इनके आदमी पीछा कर रहे थे मेरा। नवीन है, नवीन और चाची को मेरी धमकी भी मिली थी। लड़का है, 2 जने, ये सब वहाँ पर बहुत लग जाते हैं भैया, आफत कर देते हैं, मुंह बांध बांध करके। नवीन जो है ना, और चाची को मेरी धमकी भी देते हैं, इसको ऊपर पहुँचा दो, पैर भी करने वाला कोई न रह जाए। तो परिवार वाले जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उससे एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि ये हादसा कोई सामान्य हादसा था या फिर ये सब कुछ साजिशन किया गया है।